बहुत मज़ा कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो हमारा प्रैक्टिस चला था कुछ समय पहले, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुआ। फिर अभी हम कुछ देर बाद जनरेशन वन के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ हम थोड़ा मज़ा मस्ती भी करते हैं, पर मज़ा मस्ती के साथ हम रिहर्सल भी बहुत अच्छे बच्चे अच्छे से करते हैं, तो अभी हमने रिहर्सल भी किया। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। मैंने ऑडिशन दिया था डांस दीवाने के, पर मुझे वो मतलब सिलेक्ट नहीं किए। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड में आया, पर एक कंटेम्प्रेरी एक्रोबेटिक कंटेम्प्रेरी के साथ आया तो जजेस को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया वाइल्ड कार्ड में। फिर मैं जनरेशन वन में शामिल हो गया। फिर मैं अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने शादी स्पेशल में डुएट किया था मानसी के साथ। फिर उसके बाद मैंने सोलो भी किया था, गांधी बापू बन के उनका फ़ैन बन के सोलो किया। फिर अभी मैं और एक बार सोलो कर रहा हूँ जिसमें मैं मतलब पार्कोर कर रहा हूँ, पार्कोर हिप हॉप, जो बहुत मुश्किल है। पार्कोर एक्चुअली एक स्पोर्ट्स है जिसमें बिल्डिंग के ऊपर कूदते हैं, फ्लिप मारते हैं, और उसको मैं अभी डांस में कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है बॉन्डिंग, हम मज़े भी करते हैं, मतलब माधुरी मैम तो हमारे साथ मज़े करते हैं। जब अभी कुछ समय पहले हमारा एक एक्ट था सदमा का, जिसमें हम डुएट ही कर रहे थे, तो उसमें मैं एक मूंछ पहना था, तो मैम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि तुम मूंछ में अच्छे लग रहे हो, हम ऐसे ही मज़ा मस्ती करते हैं। फिर तुषार सर भी हमारे साथ मतलब बैक स्टेज में आके हमारे साथ खुद मिलते हैं और बोलते हैं कि अच्छे से परफॉर्म करना, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारे उनके साथ। और हम जनरेशन वन अर्जुन सर के साथ भी बहुत मज़ा मस्ती करते हैं, क्योंकि जब उनका एंकरिंग ख़त्म हो जाता है वो हमारे साथ आके हमारे साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी मस्ती करते हैं ज़्यादातर टाइम, जब मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है तो सब मिलकर म्यूजिकली बनाते हैं, म्यूजिकली बनाकर मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं ऑडियंस को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर बहुत कष्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग हमारा परफॉर्मेंस देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बहुत 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 वोट दीजिए, और सिर्फ मुझे भी नहीं, जनरेशन वन हो, टू हो, थ्री हो, उनका परफॉर्मेंस भी देखिए और उनका अच्छा लगे तो उनको भी वोट दीजिए। हम सबका वोटिंग लाइन जिस दिन टेलीकास्ट हो रहा है उस दिन रात 10 बजे लेकर सुबह 10 बजे तक खुली हुई है, तो प्लीज़ आप हमारे परफॉर्मेंस देखिए और खूब 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 बहुत वोट दीजिए।